ओके, सो यू हैव बीन गिवन दैट अ मिरर फॉर्म्स 4/3 टाइम्स इमेज एज कंपेयर टू दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज 4/3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. So this is the position of the screen that is given, 50 centimeter from it. You have to find the focal length of the mirror and the distance between the object and the image. So we start from the data given in the question, where magnification is given as 4/3 with a negative sign. Kyunki image screen pe ban rahi hai, so that is a clear indication that the image is real. So m is negative. So m is minus 4/3. It is formed at 50 centimeter from the mirror. So v is minus 50. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी बाई यू सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यूज वी गेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू बी -37.5. अब लेंथ मिरर फॉर्मूला में 1/f इज 1/v प्लस 1/u में वैल्यू सब्सटीट्यूट करी हमने एंड टेकिंग द एलसीएम वी गेट द फोकल लेंथ इज कमिंग आउट टू बी -21.1 cm. सो द अदर थिंग दैट यू हैड टू कैलकुलेट इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज. तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने बस रफ सा ऐसा इमेज बना लेनी है कि मिरर के आगे ऑब्जेक्ट 37 पे रखा हुआ है, 37.5 पे, और इमेज 50 पे है, तो उनके बीच का गैप बताना है बस आपको, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज बताना है. सो कोई साइन कन्वेंशन वगैरह का ध्यान नहीं रखना आपने, सिर्फ देखना है इनके बीच में गैप कितना है. 50 पे इमेज है, 37.5 पे ऑब्जेक्ट है, तो माइनस किया दैट बिकम्स 12.5. ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट अ मिरर फॉर्म्स इमेज 3/4 टाइम्स द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, इस बार आपको ढूंढना है फोकल लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज. नाउ इमेज इज 3/4 टाइम्स द ऑब्जेक्ट गिवन है, ये नहीं बताया रियल है कि वर्चुअल है, तो हम दोनों केसेस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इफ द इमेज इज रियल, यानी कि मैग्निफिकेशन हो गई नेगेटिव, यानी कि मिरर हो गया कनकेव. ओके, सो एम इज -3/4, यू की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर, यू -50 डाल दिया, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में डाल के वी हैव कैलकुलेटेड हेयर द इमेज डिस्टेंस. ठीक है, V निकाला हमने मैग्निफिकेशन यूज करके एंड इट कम्स आउट टू बी -37.5 cm. यूजिंग U एंड V वैल्यू इन द फोकल लेंथ फॉर्मूला वी गेट द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज कमिंग आउट टू बी -21.1 cm. और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पूछा था, तो वो भी हम निकाल सकते हैं. ऑब्जेक्ट रखा है 37.5 पे, इमेज बनी है 50 पे. ओके, नो द अदर वे राउंड, सॉरी, ऑब्जेक्ट रखा है 50 पे गिवन है क्वेश्चन में और इमेज बनी है 37.5 पे, तो इनके बीच में गैप कितना है 12.5. ओके, सो 12.5 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज. सिमिलरली नाउ वी आर गोइंग टू डू इट फॉर इफ इमेज इज वर्चुअल. ओके, सो इफ द इमेज इज वर्चुअल, मैग्निफिकेशन हम पॉजिटिव लेंगे, m इज इक्वल टू +3/4, कन्वेक्स मिरर मानेंगे इसको, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो गिवन ही है क्वेश्चन में -50. मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला m इज -v/u में डाली वैल्यू, 3/4 पॉजिटिव डालेंगे इस बार, v -v फॉर्मूले का एज इट इज, u की जगह हमने डाला -50, और जब हमने कैलकुलेट किया तो इमेज डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी +37.5 cm. अनलाइक द प्रीवियस केस जहां हम कनकेव मिरर कंसिडर कर रहे थे, वहां हमारा नेगेटिव आया था इमेज डिस्टेंस, अब हम कन्वेक्स मिरर कंसिडर कर रहे हैं, हमारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया. ठीक है, तो अब आप फोकल लेंथ निकालेंगे, फोकल लेंथ इज कमिंग आउट टू बी 150 cm. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ u एंड v इन द मिरर फॉर्मूला, फोकल लेंथ इज कमिंग आउट टू बी 150 cm, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस. तो कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट रखा है 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इमेज बनी है 37.5 बिहाइंड द मिरर. तो आपको ये पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा, 50 + 37.5, सो दैट कम्स आउट टू बी 87.5 इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज. ओके, सो दिस क्वेश्चन यू हैड टू कंसिडर बोथ द टाइप ऑफ मिरर्स, क्योंकि इमेज का टाइप नहीं गिवन था क्वेश्चन में. उन्होंने कहा था इमेज बन रही है 3/4 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, ये नहीं बताया इमेज वर्चुअल है कि रियल है. इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 24 cm एंड इमेज इज 12 cm इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू हैव टू फाइंड द मैग्निफिकेशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज. सो अगर इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, इट इज एविडेंटली अ कनकेव मिरर. मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में हम गिवन वैल्यूज डालेंगे, मैग्निफिकेशन इज -v/u माइनस फॉर्मूला का एज इट इज, वी की जगह -12 क्योंकि मिरर के सामने बन रही है इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, सो -24, वन नेगेटिव गेट्स कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विद मैग्निफिकेशन -0.5 और -0.5. सो नेचर ऑफ द इमेज इज क्लियरली रियल एंड इन्वर्टेड. इन दिस क्वेश्चन
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर, फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज एंड ड्रॉ द रे डायग्राम. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो यू माइनस 8 लिखा हमने. फोकल लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इट्स अ डाइवर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर. ओके, तो 1 बाई एफ इज 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू. मिरर फॉर्मूला में हमने वैल्यूज डाली, 1 बाई 12 इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाय माइनस 8. एलसीएम लिया 24 और सॉल्व करके हमारा इमेज डिस्टेंस आया 4.8 सेंटीमीटर. और ये रहा हमारा रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से 8 सेंटीमीटर पे. तो हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क किया, 8 सेंटीमीटर पे लेबल किया हमने ऑब्जेक्ट को. और दो रेज को ये आपने लेनी होती हैं, जो पैरेलल थी वो फोकस की डायरेक्शन में डाइवर्ज हो गई, जो पोल पे आ रही थी वो उसी एंगल से डाइवर्ज हो गई. डॉटेड लाइन दोनों हम पीछे लेके जाएंगे, दोनों लाइट रेज, और जहां वो इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट इज दी वर्चुअल इमेज बीइंग फॉर्म्ड. ओके, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ वर्चुअल इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड. सो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन 30 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. सो डाइवर्जिंग मिरर मींस कन्वेक्स, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है एच ओ इज 3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन माइनस 15 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, विच गिव्स यू एन आइडिया कि फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव. सो वी आर पुटिंग हियर द वैल्यूज इन द मिरर फॉर्मूला, 1 बाय एफ इज 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू. वी ढूंढना है, एफ इज 15, यू इज माइनस 15. सो रीअरेंजिंग द टर्म्स, वी कम्स आउट टू बी 15 बाय 2, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर. अब एच आई कैलकुलेट करना है, एच आई अपॉन एच ओ इज माइनस वी बाय यू. तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करी हमने, एच आई एज इट इज, वी is minus 15 by 2, HO is 3, U is minus 15. So negative goes away and we are left with HI as 3 by 2 or 1.5 centimeter positive. Nature virtual and direct hoga because it is a convex mirror, wo hamesha virtual images hi banata hai. Aur HI positive aaya hai, aapko usse bhi pata lag raha hai that these are, it's a virtual image. So it is given that an image of magnification 3 by 5 is formed on a screen at 40 centimeter from the mirror. You have to find the focal length and the distance between the object and the image. अब जब ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर बन रही है, दैट इज अ गिविंग क्लियर इंडिकेशन दैट दिस इमेज इज अ रियल इमेज. सो आई हैव रिटन एम इज माइनस 3 बाई 5 एंड ऑल्सो इट कन्फर्म्स दैट इट इज अ कनकेव मिरर. सो आई विल बी गेटिंग द फोकल लेंथ एज नेगेटिव, दैट इज समथिंग आई ऑलरेडी नो. तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से हमने स्टार्ट किया, एम इज माइनस वी बाई यू होता है, एम की वैल्यू डाली माइनस 3 बाई 5, नेगेटिव फॉर्मूला का एज इट इज़, वी की वैल्यू माइनस 40 गिवन है क्वेश्चन में स्क्रीन की पोजीशन, और यू ढूंढना है. सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट यू एज 200 बाय 3 नेगेटिव, सो दैट इज माइनस 66.6 सेंटीमीटर. सो देन वी पुट दिस वैल्यू इन द मिरर फॉर्मूला एंड वी फाइंड द फोकल लेंथ एज माइनस 25 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ है माइनस 25, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 66.6 पे. तो ये कौन सी वाली सिचुएशन हो गई, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड beyond center of curvature. Okay, so now you have to also find the distance between the object and the image. तो वो हमने यहाँ visualize किया ray diagram से, object रखा है 66.6 पे, image बनी है 40 पे, तो उनके बीच का gap हो गया 26.6 सेंटीमीटर. So it says a mirror forms 4 times enlarged real image of an object placed at 30 centimeter in front of it. You have to find the image distance, focal length and the distance between the object and the image. तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो यू इज माइनस 30, मिरर इज फॉर्मिंग 4 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज रियल इमेज, तो एम इज माइनस 4, एम इज माइनस वी बाई यू ऑल्सो. फॉर्मूला अगर हम यूज करें, सो फ्रॉम वेयर वी कैन कैलकुलेट वी एज माइनस 120 सेंटीमीटर. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ यू एंड वी इन द मिरर फॉर्मूला, आई गेट फोकल लेंथ एज माइनस 24 सेंटीमीटर. सो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ऑब्जेक्ट इज एट 30, इमेज इज एट 120, तो उनके बीच का गैप कितना हो गया, 120 माइनस 30 सेंटीमीटर, दैट इज 90 सेंटीमीटर. ठीक है, कौन सी सिचुएशन है ये, कौन सा रे डायग्राम है, फोकल लेंथ इज 24, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30, सो दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन सी एन एफ एंड द इमेज इज बींग फॉर्म्ड बियॉन्ड 60, दैट इज बियॉन्ड सी, रियल एंड इनवर्टेड magnified. So a 10 mm long all pin is placed vertically in front of a concave mirror and a 5 mm long image is formed at 30 cm in front of the mirror. You have to calculate the focal length.
So the question says that a 10 mm long all pin is placed in front of a concave mirror and a 5 mm long image is formed in front of the mirror. तो एच ओ गिवन है, इसका मतलब 10 mm और एच आई है -5 mm एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 cm इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट इट इज़ अ रियल इमेज, तभी फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है इमेज. सो एच आई के आगे नेगेटिव लगाया हमने, इन्वर्टेड इमेज है, इमेज डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा ही क्योंकि कनकेव मिरर है गिवन है क्वेश्चन में और उसके सामने इमेज बन रही है. सो एच आई अपॉन एच ओ इज -V/U. पुटिंग द वैल्यूज आई गेट यू एज -60 cm. यहाँ पे एच आई और एच ओ को mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ अ रेशो. mm एंड mm यूनिट्स गेट कैंसल्ड. ओके, नाउ वी नो यू वी कैन इजिली फाइंड द फोकल लेंथ यूजिंग द मिरर फार्मूला. सो मिरर फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट करी, 1/F इज 1/V + 1/U में वैल्यूज डाली. सो फोकल लेंथ इज कमिंग आउट टू बी -20 cm.